दोस्तों इस समय लॉकअप सीजन 2 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है और इसी बीच में नाम ऐड किया जा रहा है मुनव्वर का। और ऐसा बोला जा रहा है कि भाई मुनव्वर भी लॉकअप सीजन 2 का हिस्सा रह सकते हैं, रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आखिर क्या कहा एकता कपूर ने, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। सबसे पहले तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल फीफा फूस पर। मेरा नाम गणेश कांदू है। दोस्तों बहुत ज़्यादा प्यार जो है वो मुनव्वर को मिल रहा है, वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन लॉकअप के बारे अगर बात करें तो लॉकअप ही वो एक रियलिटी शो था जिस वजह से मुनव्वर बहुत ज़्यादा बूम किए और कहीं ना कहीं ही रीच्ड मासेस, ये कहा जा सकता है उसके बाद। बट लॉकअप का इस सीज़न, इस साल बहुत इंतज़ार किया गया, लॉकअप आया नहीं बल्कि बिग बॉस OTT सीज़न 2 आ गया। बट लॉकअप का सीज़न 2 का कोई अता पता था नहीं, क्योंकि कुछ रीजंस थे, कुछ कोर्ट केसेस की बात भी सामने आई थी। तो वो सारी चीज़ें चले ठीक हैं, बट कल होली पार्टी में एकता कपूर स्पॉट होती हैं और वहाँ पर उनसे जब मीडिया सवाल पूछती है अलग अलग तरीके के, उसमें से एक सवाल ये भी होता है कि लॉकअप सीज़न 2 कब आएगा। इसके बाद एकता कपूर बड़े डंके की चोट पर ये बात कहती हैं कि 6 मंथ्स। और अब उसके बाद बहुत सारे लोग ये अनुमान लगाने लगे हैं कि भाई 6 महीने में अगर लॉकअप आ रहा है तो फिर जाहिर सी बात है कि हो सकता है इस बार के लॉकअप में जो काम करण कुंद्रा कर रहे थे एज ए जेलर, वो काम शायद मुनव्वर करें या फिर मुनव्वर को भी इस शो में किसी ना किसी तरीके से इंक्लूड किया जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई कंगना के गद्दी पर शायद मुनव्वर बैठे हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि करण का जो जिम्मेदारी था वो शायद मुनव्वर निभाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं सभी लोग लॉकअप सीज़न 2 के लिए, ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।